an analysis. Now, in security analysis, we were discussing about the security analysis. As we understood that while we are analyzing the security or share of any company, the basic is that we have to understand the overall aspect. मुझे mainly क्या समझने की जरूरत है कि मुझे पूरा overall aspect को समझना है. तो overall आप एक investment करते वक्त, whenever we are investing or planning to invest in, तो we have to determine the overall capacity of a firm in terms of various figure out. That means एक कोई भी aspect को देखकर हम investment नहीं कर सकते. जैसे मैंने profit देख लिया या उस company ने dividend अच्छे दिए तो उस basis में मैंने investment कर दिया, या एक company ने profit अच्छा मतलब continue अच्छा turnover दिखा रही है sales का तो उसके basis में. तो there is not a single criteria to invest in any firm. There are so many factors, or rather मैं बोल सकती हूँ कि एक overall आपको एक overall analysis करने की ज़रूरत है on a 360 degree manner. हम लोग ये 360 degree बोलते हैं approach for performance management. तो ये जो 360 degree approach है ना performance management की, so same is applicable in terms of investment also. Investment के लिए भी आपको एक 360 degree approach को use करने का ज़रूरत है. क्या होता है नॉर्मली जब हम इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं तो हम कंपनी के इंटरनल्स को देखते हैं, कंपनी के फिनेंशियल्स को देख रहे हैं, बट बहुत सारे एस्पेक्ट है ना, एक एक्सटर्नल सिनेरियो क्या है, हमारे पॉलिटिकल सिनेरियो क्या है, हमारी हमारे इकोनॉमी में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है या नहीं, या जनरल इकोनॉमिक कंडीशन कैसा है. सो देर आर सो मेनी फेजेज और सो मेनी थिंग्स दैट आर कम्बाइंड टुगेदर, बहुत सारे फैक्टर्स को. अब मैं किसको कैसे स्टडी करूँ, दिस इज अनदर थिंग दैट वी नीड टू कंसिडर. कि आप बोलोगे कि मैम किस चीज़ को कैसे स्टडी करना है, वो भी तो हमें नहीं पता ना कि इतने सारे एलिमेंट्स हैं, किसको पिक करना है, किसको छोड़ना है, कौन से एलिमेंट्स को हम स्टडी करें, कैसे स्टडी करें. तो बहुत सारे वे आउट निकलते हैं, या आप देखोगे तो डिसीजन ट्री में बहुत सारे ट्री के बहुत सारे ब्रांचेस आते जाएंगे, राइट. सो फर्स्ट थिंग दैट वी विल बी डिस्कसिंग, वी वेयर डिस्कसिंग अबाउट द थियोरेटिकल एस्पेक्ट कि स्टॉक मार्केट क्या है, स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग्स कैसे होती है, शेयर्स क्या है, ये सब थियोरिटिकल एस्पेक्ट है जो नो डाउट हमें पता भी है कुछ हद तक. तो आज मैं बात करने जा रही हूँ फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में. सिक्योरिटी एनालिसिस नॉर्मली इज द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन. नॉर्मल सी बात है कि जब हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं तो उसमें पहला चीज होता है सिक्योरिटी एनालिसिस. अब सिक्योरिटी तो मैंने एक स्पेसिफिक कंपनी के शेयर्स के बारे में बात की, दैट आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट द स्पेसिफिक सिक्योरिटी, राइट. नाउ वंस आई एम थिंकिंग अबाउट सिक्योरिटी एनालिसिस प्रोसेस, आई नीड टू डिटरमाइन द डिफरेंट प्रोस्पेक्ट. तो मेरा यहाँ कंसर्न मैंने फिर से आ गया 360 डिग्री अप्रोच के बारे में, कि मुझे डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव से समझना होगा, या मुझे देखना पड़ेगा कि उस सिक्योरिटी पे जिसमें हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके मेरे प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं. प्रॉस्पेक्टिव्स इन द सेंस मैं एक प्रॉस्पेक्टिव बेनिफिट्स बोल सकती हूँ, और इन डिफरेंट सिनेरियोज को भी मैं बोल सकती हूँ कि इस सिक्योरिटी में अगर मैंने इन्वेस्टमेंट किया तो उसमें क्या क्या प्रॉस्पेक्टिव हो सकते हैं, या क्या क्या उसके आगे रिजल्ट्स आ सकते हैं. तो मैं चलो लेट मी टेक इट इन अ वेरी पॉजिटिव नोट, मैं उसको प्रॉस्पेक्टिव बेनिफिट हेट बोलती हूँ. तो उस सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट करने से मेरे प्रॉस्पेक्टिव बेनिफिट क्या होंगे, द कंडीशन सब्जेक्ट टू विच दे मे बी रिसीव्ड एंड द लाइक्लीहुड ऑफ सच कंडीशन. अब मुझे ये भी देखने की जरूरत है कि ये जो बेनिफिट है वो किस कंडीशंस में या किस लाइक्लीहुड में मिलेगा या नहीं मिलेगा, दोनों चीजें हमें देखनी है. जैसे हम लोग ये जब प्रॉस्पेक्टिव बेनिफिट के बारे में बात करते हैं ना, इट इज मोर ऑफ फॉरकास्टिंग मेथड बोल सकते हो, या एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच हम यूज कर रहे हैं. डेफिनेटली जब हम डिसीजन ले रहे हैं, मैं आज की डेट में डिसीजन ले रही हूँ, कल के बारे में सोच के, ऐसा तो नहीं आज मैंने एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लिया और उसका रिजल्ट मुझे आज के आज मिल जाएगा. डेफिनेटली इट इज फ्यूचरिस्टिक, ये काफी फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है फोरकास्टिंग, प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग. तो मुझे बहुत सारे फैक्टर्स को कंसिडर करने की जरूरत है, राइट. In a sense, the task involves forecasting future condition. The prospective benefits from holding a security gives this condition and arriving what ought to be the price for the security. जब हम futuristic, जैसे हमने देखा ना yield को मैंने देखा, ये actual value अपने देख रहे थे कि अपने shares जो हैं जिसमें हम investment कर रहे हैं, वो shares या कोई भी चीज़ security ले लो, bond ले लो, anything, उसका
यील्ड एंड उसकी वैल्यूएशन, वेदर इट्स ओवर वैल्यूड अंडर वैल्यूड क्या है, तो हमने इसके बारे में पढ़ा है. तो जब हम एनालिसिस करने जाएंगे, फ्यूचरिस्टिक तो होगा ही, बट उसके संग संग क्या है, मेरा मेन चीज है कि मुझे उसकी वैल्यूएशन को चेक करनी होती है. तो अभी मेन क्या है, मेन जो फोकस है, फ्यूचरिस्टिक तो एक एस्पेक्ट है, वो तो मैं उसको हटा रही हूँ साइड में. अब मुझे क्या देखना है कि मैं जब एक चीज में इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ तो मैं क्या चीज देखूंगी. इन्वेस्टमेंट मीन्स सिंपली यू आर मेकिंग अ प्राइस, मैं आई एम पेइंग अ प्राइस फॉर द सेम. अब जो प्राइस मैं पेमेंट कर रही हूँ, इसमें एक क्वेश्चन आता है, व्हाट और दिस इज माय क्वेश्चन. इन्वेस्टमेंट करते वक्त हमारा मेन जो कंसेप्ट, स्क्रीन नहीं आ रहा है ना, शेयर देखो, शेयर किया हुआ है, देखो अभी दिख रहा नहीं, पता नहीं, तो तुम्हारे नेटवर्क में कुछ इश्यू है. अच्छा, डिस्कनेक्ट करके कर.